भारत में ऐसी कई हैरत अंगेज घटनाएं घटती हैं जिन पर फिल्म बनाने की प्रेरणा फिल्मकारों को मिलती है। भैंस से दुष्कर्म वाले मामले को लेकर विनोद कापड़ी ने मिस टनकपुर हाजिर हो नामक फिल्म बनाई है। टनकपुर हरियाणा का एक गांव है जहां पर एक प्रतियोगिता में भैंस विजयी होकर मिस टनकपुर बनती है। इस भैंस से बलात्कार के मामले में एक युवक को गांव के प्रधान ने फंसाया है क्योंकि इस उम्रदराज प्रधान की युवा पत्नी से उस युवक के नाजायज संबंध थे। इस कहानी की पृष्ठभूमि में भ्रष्ट पुलिस और नेता, गांव में होने वाली राजनीति, वकीलों का लालच तथा अंधविश्वास को दिखाया गया है। जिसके घर में खुद के तीन तीन भैंसे हैं, उसे ऐसी क्या दुर्घटना मचेगी? ये कोई साधारण भैंस नहीं थी, मिस टनकपुर थी। फिल्म का विषय ऐसा है जिस पर हार्ड हिटिंग या व्यंग्यात्मक फिल्म बनाने की भरपूर संभावना थी, लेकिन लेखक और निर्देशक विनोद कापड़ी ने बीच का रास्ता चुना। उनकी फिल्म न तो व्यंग की तरह गुदगुदा कर सोचने पर मजबूर करती है और न ही ऐसा प्रहार करती है कि दर्शक हिल जाए। फिल्म को उन्होंने हल्का फुल्का रखा है और कभी कभी अश्लीलता की लाइन भी पार कर गए। भारी भैंस को बलात्कार, ठुमका लगाऊंगी, घाघरा घुमाऊंगी। इंटरवल तक तो उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाए बिना कुछ सुने सुनाए चुटकुलों के जरिए फिल्म को खींच लिया है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म हाफने लगती है। अरे बावड़ी पूछ, उस पे जाके बोल कि पुलिस आई है। अरे भैंस इतनी समझदार होती तो पुलिस में ना भर्ती हो जाती। फिल्म के कुछ सीन हंसाते हैं, कुछ संवाद अच्छे हैं, ग्रामीण जीवन की झलक को भी बारीकी से पेश किया गया है, परंतु ये प्लस पॉइंट्स फिल्म को बेहतर नहीं बना पाते। ग्राम की पंचायत ने यह फैसला किया है कि इस अर्जुन ने उस भैंस से ब्याह करना पड़ेगा। अच्छे अभिनेता हों तो वे कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म को थाम लेते हैं। मिस टनकपुर हाजिर हो इसका उदाहरण है। अन्नू कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, संजय मिश्रा बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। मिस टनकपुर हाजिर हो बुरी फिल्म नहीं है, इसे देखा जा सकता है। अफसोस इस बात का है कि कहानी में जो भरपूर संभावनाएं थी उसे पूरी तरह भुनाया नहीं गया। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।